डियर स्टूडेंट्स, आज आप तैयार हो जाएं एक और 30 क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज के लिए। पढ़ाई काफ़ी चल रही है, ऐसे में रेगुलर टेस्ट्स आपके चलते रहने चाहिए। तो आज आप तैयार हो जाएं एक शानदार टेस्ट सीरीज के लिए, जो 30 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज है और जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब ये कि वन लाइनर है और इसके आंसर्स भी आपको तभी हो पाएंगे जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। चूंकि ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली जब आप जानेंगे तभी इसके आंसर सही आप मारेंगे। हमारे हिसाब से कट ऑफ हमने 22 रखा है, 22 प्लस आपको करने चाहिए लेकिन 20 से कम नहीं होना चाहिए। आई होप के 20 प्लस आप जरूर करेंगे। 30 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट खबर ये है कि कल से आपको ठीक 11 बजे शार्प 11 रात में रेगुलर एक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। आई होप कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आए, वरना ठीक 11 बजे आपको डेली अब एक टेस्ट सीरीज मिलेगा। आप 11 बजे ऑन करें मोबाइल और इसे बनाएं। उम्मीद करते हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आए, तो टाइम का जो एक पाबंदी है वो रहेगा। साथ ही कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में आए हैं कि नहीं, तो कई सारे अब आ चुके हैं। इनमें स्पर्धा है, किरण है, संदर्भ है, यूनिक है, बिहार वाला यूनिक और स्पार्क है, ये सब हैं। लेकिन हमें जो थोड़ा ठीक लगा उसमें किरण और स्पर्धा, ये दो पब्लिकेशन हमें ठीक लगे जो 10-10 प्रैक्टिस सेट्स के गाइड लेकर आए हैं। तो आप चाहें तो बीपीएससी ऑफिस के पास चले आएँ, देखें या कहीं से भी अरेंज करें। स्पर्धा और किरण का ये दो हमें बेटर लगा, बाकी आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज के इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, यानी टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण हम अक्षांश रेखाएं खींचते हैं, तो आपको बताना है कि इनकी संख्या कितनी होती है। प्रश्न ठीक से समझ लें, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 181, 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे और बीच का एक 0 डिग्री लैटिट्यूड, टोटल 181। लेकिन ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन रहेगा कि भूमध्य रेखा के समानांतर अक्षांश रेखाओं की संख्या, तब होगा आंसर 179। इसे आप समझ लें, चूंकि दोनों ध्रुवों पर रेखाएं नहीं बिंदु मात्र पॉइंट्स होते हैं, तो दो माइनस हो जाएगा 181 में, तो 179 उसका आंसर होगा। यहां यह भी याद रखें कि लॉन्गिट्यूड्स देशांतर की संख्या 360 होती है। आज का दूसरा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है, नगरीकृत राज्य, सबसे कम प्रतिशत में, ध्यान रखें सबसे कम प्रतिशत में नगरीकृत राज्य कौन सा है। चॉइस नहीं है तो सोचकर आपको इसके, हम लोग लगातार 2011 की जनगणना कर रहे हैं, सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सबसे जो हाईएस्ट परसेंटेज है अर्बनाइजेशन में वो गोवा का है, लीस्ट हिमाचल प्रदेश। लेकिन ध्यान रखें, अगर टोटल आएगा कुल जनसंख्या शहरीकृत, तब महाराष्ट्र टॉप पे है और सिक्किम सबसे लीस्ट है। आज का तीसरा क्वेश्चन, वुलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील कहाँ स्थित है, किस राज्य में, हम लोगों ने लेक्स किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत में झील है। आज का चौथा क्वेश्चन, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, विच टाइप ऑफ कोल जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है, सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा, उसके बाद बिटुमिनस, तब आप जानते हैं कि लिग्नाइट और पीट है। आज का पांचवा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, प्रश्न समझ लें, मानव शरीर की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेल का नाम क्या है। आप जानते हैं कि पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई, बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक सेल है वो न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका होती है। आज का छठा क्वेश्चन, गुप्त काल में बंजर भूमि यानी इनफर्टाइल को किस नाम से जाना जाता था, बंजर भूमि जिसमें खेती नहीं होती थी, इनफर्टाइल,
तो इसका आंसर हो जाएगा सिल। सिल बंजर भूमि थी, जबकि अपरहत जंगली भूमि को कहते थे गुप्त काल में, और कृषि भूमि को वास्तु भूमि कहते थे। तो ये ध्यान रखेंगे। सातवां प्रश्न, बारदोली प्रस्ताव से किस अखिल भारतीय आंदोलन की समाप्ति हुई? बारदोली प्रपोजल से किस ऑल इंडिया जो मूवमेंट था उसे वापस लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नन कॉपरेशन मूवमेंट। 1922 में 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव आया, इससे पहले 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज का आठवां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया? अमेंडमेंट की संख्या आपको बताना है। 6 साल कर दिया गया लोकसभा का टेन्योर किस अमेंडमेंट के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां अमेंडमेंट। ये 5वीं लोकसभा 1971 से 1977 तक थी, जो 5 से 6 वर्ष कर दी गई थी। आज का नवा क्वेश्चन, भारत का चलता फिरता संत यानी इंडियाज वॉकिंग सेंट किसे कहते हैं? समझ ले। तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जो लगातार पैदल यात्राएं करते थे, इन्हें चलता फिरता संत कहते हैं। इनका आश्रम वर्धा में महाराष्ट्र में थे। आज का 10वां क्वेश्चन, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन जारी करता है? हर साल 2 बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये कृषि मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकार की एक संस्था है जो हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करती है। 11वां क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा? सबसे पहले, फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। 1951 में सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन पे आते हैं, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? इसका डेट आपको बताना है, डायरेक्ट एक्शन डे। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। आज का 13वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे हमारे अर्थ पे पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर, दोनों पोल्स पे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल होता है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता चला जाता है। आज का 14वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आटे की चक्की, आटा पीसने की चक्की किस हड़प्पा स्थल से मिला है? इससे पता चलता है कि ये लोग गेहूं उपजाते थे और उसे पीसते थे, तो ये चक्की कहाँ मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। आज का 15वां क्वेश्चन, मेसेटा का पठार कहाँ पाया जाता है? प्लेटो ऑफ मेसेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। विश्व में जहाँ जहाँ ये पठार पाए जाते हैं अधिकतर मिनरल्स इन्हीं प्लेटोज में पाए जाते हैं। आज का 16वां क्वेश्चन, मानव वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? किस ग्रंथि से होता है? ग्लैंड से, ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है यानी डक्टलेस नलिका विहीन होता है ये, सीधे रक्त रक्त में इसके हार्मोन्स मिलते हैं। आज का 17वां क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात यानी वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? धुआंधार वाटरफॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में जबलपुर में ये धुआंधार जलप्रपात है, ये भारत भर में अपने खास आकृति और विशेषताओं के कारण जाना जाता है। बराबर प्रश्न में ये दिखाई देता है। 18वां क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय प्रत्येक 5 साल पर महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ किया जाता था? हर 5 साल पर यह आयोजित होता था।
ऐसे पांच महामोक्ष परिषद के आयोजन की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग यानी इलाहाबाद। याद रखें हर्षवर्धन का कार्यकाल भी कई बार पूछ देता है, 606 से लेकर 647 यानी 606 से लेकर 647 AD। आज का 19वां प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं यानी बूढ़ी गंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण गंगा, याद रखें दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, ये दो डिफरेंस आपको समझना चाहिए। आज का 19वां क्वेश्चन, आज का 20वां क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग यानी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? 5 सालों के लिए आर्टिकल 280 के तहत चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के अपॉइंट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा एन के सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर होगा 2020 से लेकर 2025। ये केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करता है। आज का 21वां क्वेश्चन, सिकंदर ने पश्चिमी भारत में कहां दो यूनानी कॉलोनीज एस्टैब्लिश किए थे? उपनिवेश, भारत में, पश्चिमी भारत में दो यूनानी उपनिवेश इसने स्थापित किए थे, ये कहां स्थापित किए थे? आपको स्थान बताना है, इनके दो नाम बताना है, पश्चिमी भारत में थे, नाम इनके बताने हैं, दो कौन से दो उपनिवेश थे उनके नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बूकफाला और निकैया। बूकफाला झेलम नदी के किनारे, जहां उसके घोड़े का नाम था बूकफाला, तो इस नाम से उसने झेलम नदी के किनारे ये कॉलोनी यानी बसाया अपना प्रभाव क्षेत्र। और निकैया ये जहां पर पोरस से युद्ध हुआ था पंजाब के आसपास, ये यहां पर निकैया नाम को उपनिवेश बसाया। साथ ही ये भी जान लें कि अफगानिस्तान में काबुल के पास इसने सिकंदरिया नाम का उपनिवेश एस्टैब्लिश किया था। तो तीन इसने एस्टैब्लिश किए थे, ये एग्जाम में आता है। आज का 22वां प्रश्न, भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार 1875 में कहां एस्टैब्लिश हुआ? ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट इन इंडिया, आपको स्थान का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंबई। दूसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज। आज का 23वां क्वेश्चन, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बराबर अल्फा बीटा और गामा रेज का इमिशन होता रहता है। आपको बताना है कि एक बीटा रेज के इमिशन से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस तरह से बदलता या नहीं बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या में एक यूनिट की वृद्धि हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 24वां प्रश्न, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ये जो ज्वालामुखी आपका इरप्शन होता है, इसमें मैक्सिमम इरप्शन किस चीज का होता है, क्या निकलता है इसमें सबसे अधिक? आप जान लें कि यहाँ पर बहुत सारे गैसेस, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऐसे तत्व निकलते हैं, तो ये सबसे अधिक कौन निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवाष्प, वाटर वेपर सबसे अधिक निकलता है। आज का 25वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल के रूप में तिरंगा झंडा कब अपनाया गया? तिरंगा ट्राइकलर, वेन एडॉप्टेड? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। आज का 26वां क्वेश्चन, भारतीयों को सत्ता सौंपने संबंधित माउंटबेटन प्लान किस कब आया, इसका डेट आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जून 1947। भारत में 27वां क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र जहां सिंचाई उपलब्ध है, सबसे अधिक खेतों के लिए सिंचाई की जाती है, मैक्सिमम इरिगेटेड लैंड कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आज का 28वां क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले पर्सनैलिटी कौन थे? मरणोपरांत सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में नहीं दिया गया। 29वां क्वेश्चन,
बिहार से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला अखबार कौन था? नाम बताना है आपको। सबसे पहला अखबार हिंदी का जो बिहार से प्रकाशित हो रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार बंधु। आज का 30वां क्वेश्चन, बिहार में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कब स्थापित हुई? साल आपको बताना है। फर्स्ट ईस्ट इंडिया की पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1651 में। तो बस आज का ये एपिसोड यहीं तक चलेगा। उम्मीद है कि आपने अच्छे स्कोर्स किए होंगे। काउंट करें, पता करें कि आपने इसमें कितने मैक्सिमम स्कोर्स किए। यहीं पर आपसे विदा लेंगे एक और अच्छे एपिसोड के लिए। नॉलेजेबल और आपके लिए बेनिफिशियल जल्द हाजिर होंगे। टेक केयर।